देशवासियों, ईडी सीबीआई का गठन जिन उद्देश्यों के लिए हुआ उस कर्तव्य से ये दोनों जांच एजेंसियां भटक गई हैं। तभी तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय में मनमाने तरीके से जेल में डाल दिया गया। मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जिसने माननीय अरविंद केजरीवाल साहब को चुनाव प्रचार के लिए 22 दिन की अंतरिम जमानत देकर ईडी के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हमारी गीत भ्रष्ट संस्थाओं को आज ललकार रही है और मैं कह रही हूं क्या, अरे फेल हो मचाने, जेल के बाहर क्रांति मचाने के केजरीवाल जी आए हैं, फेल हो गई ईडी अब तो मोदी मुंह लटकाए हैं। काहे मुंह लटकल बा, जेल के बाहर क्रांति मचाने केजरीवाल जी आए हैं। कितने चालबाज मोदी जी हैं, जरा उनका इस समय का भाषण सुन लीजिए। क्या भाषण होना चाहिए, क्या संदेश होना चाहिए और वह क्या संदेश दे रहे हैं। विकास और महंगाई की चर्चा नहीं जुबान, ना बेरोजगारी का चर्चा बा, ना विकास का चर्चा बा। मोदी जी किस चीज का चर्चा कर रहे हैं, विकास और महंगाई की चर्चा नहीं जुबान में, फंसा दिए भारत को मोदी हिंदू मुसलमान में, ठग हारे क्रांति मचाने, अरे जेल के बाहर क्रांति मचाने केजरीवाल जी आए हैं, ठग हारे का पोल खोलने का संकल्प सुनाए हैं। अगली लाइन में मैं बताना चाहूंगी, अरे संविधान ना मिटने देंगे, ये कौन कह रहा है, संविधान ना मिटने देंगे विपक्ष ने अब ठाना है, संविधान ना मिटने देंगे विपक्ष ने अब ठाना है। ये विपक्ष के लोगों का ऐलान है। क्या लोग कह रहे हैं,
परिवर्तन का बजा नगाड़ा, परिवर्तन का बजा नगाड़ा, नया सवेरा लाना है, संविधान ना मिटने देंगे, विपक्ष ने अब ठाना है, परिवर्तन का बजा नगाड़ा, नया सवेरा लाना है। स्टॉप, अरे कसम है बाबा साहेब की, अरे कसम है बाबा साहेब की, इसलिए समर में छाए हैं, अरे जेल के बाहर क्रांति मचाने, अरे जेल के बाहर क्रांति मचान के केजरीवाल भी आए, कसम है बाबा साहेब की, इसलिए समर में छाए हैं, जेल के बाहर क्रांति मचाने केजरीवाल जी आए हैं। आगे मैं संदेश देना चाहूंगी, क्या ईडी और सीबीआई का जो ईमान ही बह जाएगा, अरे सुप्रीम कोर्ट कहा है तब क्या भारत का जो ईमान ही बह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहा है तब क्या भारत में रह जाएगा, भारत में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए कहना है ईडी और सीबीआई का जो ईमान ही बह जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहा है तब क्या भारत में रह जाएगा, जेल के बाहर क्रांति मचाने, अरे जेल के बाहर क्रांति मचाने के केजरीवाल जी आए हैं, लास्ट लाइन में कहना है क्या, अरे कहे कभी संतोष जमाना रहा न हिटलर शाही का, कहे कभी संतोष जमाना रहा न हिटलर शाही का, किसी हिटलर शाही का जमाना ज्यादा दिन तक नहीं रहा है। इसीलिए ए मोदी है जाने वाला, अब ये दौर तबाही का, कहे कभी संतोष जमाना रहा न हिटलर शाही का, ए मोदी है जाने वाला, अब ये दौर तबाही का। इसीलिए तो मैं कहती हूँ क्या, अरे कहे कभी संतोष जमाना रहा न हिटलर शाही का, ए मोदी है जाने वाला, अब ये दौर तबाही का, अरे सरोज कहती कई बरस से हम ये अलख जगाए हैं, जेल से
बाहर क्रांति मचाने, अरे जेल से बाहर क्रांति मचाने, एक